यो गाइस, अब गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज का जो टॉपिक है यामाहा R15 के ऊपर। तो गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि R15 वर्जन 3 का प्राइस इतना ज़्यादा हाई क्यों है। दूसरे सीसी जो मोटरसाइकिल होते हैं 150 सीसी या फिर 160 कैटेगरी के अंदर, तो उनसे इसका प्राइस हाई क्यों है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जानने वाले हैं तो ऐसा क्यों है, क्या चीज़ है, सब कुछ पूरा डिटेलिंग वीडियो आज मैं दूंगा आप लोगों को। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा वक्त नहीं करके स्टार्ट करते फटाफट। तो गाइस वर्जन 3 को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले यामाहा वर्जन R15 वर्जन 1 में, जो एकदम पहले निकला था। तो आप लोग उसके बारे में पहले जान लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यामाहा R15 वर्जन 3 के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यामाहा R15 का जो वर्जन 1 है, जो रेड कलर का बाइक आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे नीचे आप लोग पहले देख लो कि लिखा हुआ ये बाइक जो है 2008 में पहला यामाहा ने लॉन्च किया था वर्जन 1। तो 2011 में इन लोगों ने लॉन्च किया था V2। तो अप्रैल में जो 14 के दिखा रहे इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ था, और जनवरी 17 में जो इन लोग का वर्जन 3 लॉन्च हुआ था। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कंपैरिजन वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 का। तो आप लोग जैसे देख सकते हो सीसी सबका एक है, मगर वर्जन 3 का देखो सीसी ज़्यादा है 158.1, और बीएचपी भी उसका ज़्यादा है, मगर इन दोनों का टॉर्क जो है ज़्यादा था। और यहाँ पे सब कुछ बाकी सारा कुछ चीज़ सेम रखा हुआ है, और डिस्क जो ब्रेक है वो भी उसका वर्जन 3 का ज़्यादा है, और टेलीस्कोप यूज ही लगा हुआ है उसमें, और इन लोगों में यूज़ हुआ है टेलीस्कोपिक फोक्स। गाइस सभी के अंदर जो है मोनोशॉक यूज़ किया गया है, ठीक है। और सीट हाइट जो सबसे पहले था देखो 790 mm था, उसके बाद हुआ 800 mm, उसके बाद वर्जन 3 का हुआ 815 mm। तो यही हिसाब है। और यामाहा वर्जन 3 का प्राइस जो मेन रीज़न है, जिनका जो स्पेसिफिकेशंस है उसकी वजह से इसका प्राइस ज़्यादा है। तो गाइस R15 वर्जन 3 में इसी VVA टेक्नोलॉजी की वजह से जो है इसका प्राइस इतना ज़्यादा आता है। तो आज हम लोग बात करने वाले VVA टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आइए जानते हैं तो कैसे काम करता है ये चीज़। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंजन का अंदर पिस्टन है, तो ये देखो हवा और जो पेट्रोल अंदर गया, और राइट वाला जो वेल्व अभी खुलेगा तो ये देखो वहाँ से एग्जॉस्ट का जो हुआ धुआँ है वहाँ से निकल गया। तो हवा यहाँ से आता है पेट्रोल के साथ, और आप लोग देख सकते हो ऊपर वाला जो ये कैंप है ये लगा हुआ, तभी ये खुला और यहाँ से हवा अंदर आया। तो यही हिसाब है भाई। तो जब ये ऊपर वाला जो लगता है तब यही अंदर खुलता है, यहाँ से हवा पेट्रोल अंदर आता है। तो भाई यहाँ पे जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं ये ऊपर वाला जो ब्लू कलर का जो कैंप है, तो ये कैंप जो है फटाफट देखो कैसे घूम रहा है, कैसे फटाफट बंद हो रहा है। तो इसी की वजह से जो है R15 का टॉप एंड ज़्यादा नहीं आ रहा था इससे पहले, तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, ये आप लोग राइट में देख सकते हो जो अभी ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो जो कैंप है वो थोड़ा लग गोल है, और वो राइट जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ा रेड है, वो थोड़ा देखो थोड़ा ऊपर जो है ना अंडा जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसी के लिए देखो हाई RPM पे देखो ये ग्रीन वाला देखो ऊपर जा रहा है, देख रहा। तो इसी हिसाब से तो कंपनी ने किया गया इन दोनों को मार्च कर दिया, जैसे कि भाई काम एक साथ ज़्यादा हो, समझ रहे मेरी बात। तो भाई कंपनी ने ये काम इसलिए किया कि लो रेंज पे भी RPM सही रहे, और लॉन्ग रेंज पे जो हाई RPM रहता है ना तो उसमें भी इंजन सही से काम करे और गाड़ी को टॉप एंड ज़्यादा दे। तो इसी हिसाब से VVA टेक्नोलॉजी इसी को बोलते हैं कि ये दोनों कैंप एक साथ कर दिया गया। तो इसी चीज़ के हिसाब से R15 जो है लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों जगह में एकदम परफेक्ट काम करता है। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये CBR 150 है जो R15 के बिल्कुल सेम टू सेम वैसे काम करता है, जो नॉर्मल वेरिएंट है R15 का उसके जैसा, जो VVA टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं है भाई। तो इसीलिए जो इसका प्राइस देखो इतना कम है। तो आप लोग दूसरे बाइक के साथ अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो गाइस दूसरे बाइकों का प्राइस भी आप देख लो, तो ये देखो CBR का देखो 1,22,000 रुपये है। तो इसी हिसाब से दूसरे बाइकों को भी जैसे कि वर्जन 3 का जो है अभी देख सकते हो 1,70,000 रुपये प्राइस है सबसे ज़्यादा, और ये देखो MT का देखो 1,41,000 रुपये है, और वैसे ही सुजुकी का जिक्सर 150 जो है उसका प्राइस देखो 1,53,000 है, और इसके बाद अपाची देखते हैं 1,08,000, और इसके बाद आता है आप लोगों का पल्सर 160 NS, इसका भी देखिए 1,12,000 रुपये। ये 160 कैटेगरी का है, ये भी आ गया FZ, इसका है 1,05,000 रुपये, और ये आ गया लास्ट में पल्सर 150। तो आप लोग देख सकते हैं कि R15 का प्राइस जो है सबसे आगे सबसे ज़्यादा रहता है इसी VVA टेक्नोलॉजी रीज़न की वजह से भाई।
गाइस इसी रीज़न की वजह से जो यामाहा का प्राइस इतना ज़्यादा रहता है, और अभी थोड़ा बहुत चेंजेस आया है वर्शन 3 के। जो लुक्स है भाई वो तो कतई जहर है वर्शन 3 का, वो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो सब बंदे का एक होता है ना भाई कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं कि कुछ अच्छा सा बाइक ले, कुछ अच्छा भाई जो आँखों में जो लगता है बंदों के वही लेते हैं। देखो हम लोग भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को भाई कम पैसा में कुछ अच्छा चाहिए होता है। सब एक स्पोर्टी लुक बाइक चाहिए होता है कि भाई थोड़ा स्पोर्टी हो, एक अच्छा इंप्रेशन भी जमे, अपना काम भी निकल जाए, तेल का खर्चा भी निकल जाए आराम से, थोड़ा माइलेज भी अच्छा मिल जाए, और उसका जो है सर्विसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो। तो इसी हिसाब से भाई वर्शन 3 एक परफेक्ट बैठता है उसमें। मगर फिर भी इसका कंप्यूटर है CBR 150R जो निकला है, पहले जो CBR 150 था खाली, तो उसका भी R निकला है मॉडल, आप लोगों को पता ही होगा शायद, तो उसी हिसाब से। तो भाई मैं बोलूँगा R15 जो है सबसे बेस्ट है एक हिस्सा इंजन के हिसाब से, क्योंकि भाई इसका टॉप एंड भी ज़्यादा है। मैं खुद चलाया हूँ भाई, मैं खुद गया हूँ 147 तक इसका वर्जन 3 का, तो उससे भी ऊपर गया है मेरा एक दोस्त, 150 या फिर 149 टच किया था, मेरे को पूरा याद नहीं है। उसका क्लिप मेरे पास था मगर वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गया गलती से, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है स्टोर फुल हो गया, तो इसीलिए मेरे को डिलीट करना पड़ गया, तो मेरे को ध्यान नहीं रखा कि वीडियो था वहाँ पे। तो भाई इसी हिसाब से भाई R15 जो है सबसे आगे इसलिए, और उसमें भी जो सिपर क्लच का जो इशू है, सिपर क्लच की वजह से और भी बाइक स्मूथ चलने लगा है, और इसी वजह से भाई जो आप जो अपशिफ्ट करते हैं डाउनशिफ्ट करते हैं वो स्मूथ होता रहता है, और जो क्लच है वो एक लाइटर हो गया, क्लच से पहले बहुत हार्ड हुआ करता था तो अभी थोड़ा लाइटर क्लच हो गया। तो भाई इसी हिसाब से R15 जो है मार्केट में ऐसा अपना जगह बना चुका है बहुत वर्शन 3 की वजह से। इससे पहले जब भाई वर्शन 2 था तब भी भाई मार्केट अच्छा खासा था, और अभी भाई मार्केट जो है R15 का भी अच्छा। तो भाई जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है मेरा 2012 मॉडल का R15 V2, जो मैं पहली वीडियो में बोल चुका हूँ मेरे पास V2 पहले से 2012 मॉडल का। तो ये है वो बाइक जो मेरे दिल के बहुत करीब था। तो इसके बाद भाई दिल के मेरा करीब था भाई मेरा 2015 मॉडल वाला R15 V2 ब्लू कलर का रेस एडिशन, जो सबसे बेस्ट था मेरा भाई लाइफ का सबसे बेस्ट बाइक रहा है। तो R15 के साथ मेरा भाई बहुत पुराना रिश्ता रह चुका है। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि यामाहा वर्शन 3 लेने के लिए भाई लूँ कि ना लूँ, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग को स्पोर्टी लुक पसंद है, अगर आप लोग को अच्छा माइलेज चाहिए, अगर आप लोग को चाहिए कि भाई सर्विसिंग कॉस्ट कम आए, तो भाई सोचो मत, अभी जाके फटाफट ले लो अपना बाइक। तो सोचने का बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो भाई, सीधा जाके ले लो। R15 वर्शन 3 बेस्ट इन सेगमेंट है, क्यों है वो मैंने बता दिया वीडियो में। हाँ पता है कुछ कुछ जगह मेरा गलती हुआ बोलने में, मैं अटक गया था बोलने के लिए, तो भाई वो जगह भाई आप लोग मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। मैं थोड़ा घर का भी काम कर रहा था तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया भाई, ठीक से मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो जो भी हो अच्छे से आप लोग घर पर रहो, अभी कोरोना का सिचुएशन है, सही से रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा राइट से राइट, आप स्टे ट्यून्ड फॉर 40 व्लॉग फॉर मोर वीडियोस गाइस। और बहुत जल्दी हम लोग का व्लॉग आने वाला है, तो हम लोग व्लॉग नहीं डाल पा रहे क्योंकि मेरे कैमरे में थोड़ा इशू हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को दबा के और घंटे का ऑप्शन दबाना ना भूलें।